तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी 7 एंड 7A के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में आप सभी की काफ़ी डिमांड थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप सभी को बताऊं कि हाँ भाई, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली है। तो गाइज़, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, एकदम लेटेस्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है और आप सुनने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड दबा दीजिएगा बेल वाले आइकन को। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इसके न्यूज़ के बारे में। तो गाइज़, यार, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन दोस्तों आपके काम का है। जी हाँ दोस्तों, यार देखा, मुझे यार काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, पिछली वीडियो पे भी आ रहे थे और नई वीडियोस पे भी आ रहे थे कि Redmi 7 एंड 7A के ऊपर वीडियो लाओ। हालांकि दोस्तों, मैं सबके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, जितने भी छोटे डिवाइसेज हैं जिनको अपडेट मिलने के चांसेस हैं या फिर उनको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मन में यही सवाल है आप सभी के कि इसको अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, अगर मिलेगा तो वो कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करें, OTA अपडेट कब तक आएगा इंडिया में। तो मतलब इतने सवाल ना दोस्तों, सभी को कवर करने में टाइम तो लगेगा लेकिन दोस्तों टाइम हम नहीं लगाएंगे, जल्दी से कवर करेंगे। देखो यार गाइज, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस लेके आने वाला हूँ Redmi 5 एंड 5A के बारे में, मतलब जितने भी छोटे डिवाइसेज हैं मैंने उनको सेलेक्ट किया है कि इनकी सारी न्यूज़ आपको बताई जाए। और दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि आपको यार अभी न्यूज़ आई है Redmi 7 एंड 7A के बारे में, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है ना, चाइना में तो यार लॉन्च हो चुका था 26 मई या 27 मई को, यहाँ पे MIUI 12 लॉन्च हुआ था जिसमें कुछ डिवाइसेज के बीटा वर्जन भी शामिल थे। तो ठीक है, यहाँ पे तो हो गया, मतलब चाइना में आ गए तो, लेकिन यार 7 एंड 7A का वहाँ पे नाम नहीं आया था। वो क्यों नहीं आया था मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो यार गाइज, ये है एकदम बजट फ़ोन, एकदम यार मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए, यार मतलब सभी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 3 GB रैम के साथ मिलता है, 4 GB रैम आती है यहाँ पे, आपका MIUI 12 भी यहाँ पे आने वाला है इसके यार अंदर। मतलब कुल मिला के यार एकदम बजट फ़ोन है जो कि 10,000 से नीचे है। तो यार सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले 10,000 के ऊपर जो फ़ोन है ना, जो नए आए हैं मार्केट में, जिसकी डिमांड है, उनको सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करते हैं ताकि जो यूज़र हैं वो और मतलब यार खुश हो जाएँ, ठीक है। तो मतलब उसको यार अपडेट देने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले उन्हीं डिवाइसेस को यहाँ पे टेस्टिंग में रखा जाता है। तो ये जो छोटे फ़ोनस रह चुके हैं, मतलब जो छोटे लो बजट फ़ोन होते हैं, मतलब कि एकदम बजट के फ़ोन होते हैं ना, इनको थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। हाँ भाई, इनके ऊपर काम होगा लेकिन दोस्तों थोड़ा सा लेट होगा, ऐसा नहीं अभी पागलों की तरह काम करें भाई, करते रहें, क्योंकि यार दोस्तों सबको पता है बजट फ़ोन के ऊपर बहुत ही कम काम किया जाता है, लेकिन किया जाता है। मैं इतना बता दूँ कि इन दोनों फ़ोन्स को 100% आपको MIUI 12 का अपडेट मिलेगा, वो भी आपको स्टेबल मिलेगा, कोई भी यहाँ पर बग आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि अदर फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। तो हालांकि यार MIUI 11 में भी काफी बग्स थे, यार आप सभी को पता होगा बड़े बड़े डिवाइसेस में यार काफी बग आए थे, लेकिन जितने भी लो एंड डिवाइसेस थे ना, इनमें बहुत कम बग आए थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यार लो एंड डिवाइसेस जो होते हैं ना, मतलब डेवलपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करते हैं इसके ऊपर। वैले यार मतलब वो बड़े फ़ोन हैं, उनके यार मतलब सिक्योरिटी पैच को लेके सबको ध्यान रखना पड़ता है ना, मतलब इसमें बग आ ही जाता है यार कुछ ना कुछ करके। वैल दोस्तों, ये तो ही कुछ बातें। एंड यार मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइस देखो यार, अभी चाइना में इसका कोई भी बीटा अपडेट नहीं आया है जिसे हम अपने TWRP से इंस्टॉल कर लें, ओके। तो हम मैं आपको ये भी बता दूं यार, देखो 15 तारीख मतलब कि आज होगी या 4 तारीख मतलब करीब हमारे पास 11 दिन है। 11 दिन के बाद दोस्तों हमारे पास यार यहाँ पे यूरोपियन मार्केट है ना, जो यहाँ पे दोस्तों लॉन्च हो जाएगा MIUI 12 जो कि सभी फ़ोन्स के लिए। तो सभी फ़ोन्स के लिए अगर रिलीज़ हो जाए ना, तो भाई यहाँ पे इतने डेवलपर बैठे हैं ना यार, डेवलपर इतने बैठे हैं ना भाई साहब, आपके लिए ऐसे यार भाई मतलब रद्दी के भाई यार कस्टम रोम बना के देंगे, समझे। तो मतलब अगर यार वहाँ पे इतने डेवलपर बैठे ही हैं तो आपको यार गाइस देखो, Redmi 7 एंड 7A के लिए वहाँ पे यूरोपियन रोम में यार आ जाएगा आपका, यहाँ पे नया बीटा वर्जन आ जाएगा यूरोपियन रोम में। तो आपको कैसे करना है इंस्टॉल, आपको TWRP से इंस्टॉल करना। अगर आपको नहीं पता TWRP कैसे इंस्टॉल करना अपने डिवाइस में, कैसे अपने बूटलोडर अनलॉक करें, तो आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप देख के कर सकते हो। वेल दोस्तों, कुछ बंदे होते हैं यार, नहीं करना, मुझे नहीं आता, मुझे इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई बंदा रिस्क लेना ही नहीं चाहता, तो भाई उनको मैं बता दूं, तो आपको यहाँ पे करना होगा वेट। वेट करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, बिकॉज दोस्तों OTA अपडेट आने में 2 या 3 महीने लग जाएंगे, जिसे आपको अभी तक वेट करना होगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना, यार वीडियो में यार बस इतनी ही न्यूज़ थी जितनी मैंने आपको बताई है, कोई बड़ा चढ़ा के कोई न्यूज़ नहीं बताई है, वो आपके ऊपर आप मुझे कैसे समझ रहे हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना, यार मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।